नमस्कार नमस्ते, मैं एमडी जहांगीर आलम। आज ओनेम ग्रुप का स्टाफ ओनर जो संदीप पटेल है, आज उसका बर्थडे है। बर्थडे की खुशी में वो आज हमें यहाँ बुलाया है और कुछ आवाम को, जनता को कुछ मैसेज देना चाहता है। तो सर जी, आज आपका बर्थडे है, आपको कैसा फीलिंग हो रहा है, आज महसूस हो रहा है? मुझे अच्छा फीलिंग हो रहा है। अच्छा फीलिंग हो रहा है। तो आज आपके बर्थडे के अवसर पर बहुत सारे लोग आए हैं, अपने खास खास दोस्त को यहाँ बुलाए हैं। तो सर इंतजार कर रहे हैं, किस लिए इंतजार कर रहे हैं? ये लोग चाहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में जुड़ा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फैमिली बैकग्राउंड ऐसा चाहता है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं रहूं। अगर आपका दोस्त लोग चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में जाए, तो आपका जो और इंटरनल पोटेंशियल पावर है तो उसको पहचानते हो लोग कि ये बंदा अगर पॉलिटिक्स में जाएगा तो कुछ कर सकता है। इसी वजह से मेरा इंटरनेशनल प्रोटेक्शन पावर ये है कि मेरे ग्रुप में इंजीनियर है, डॉक्टर है, बड़े बड़े आईपीएस है और युवा है मेरे में। हाँ, जब मैं यहाँ आया तो 40 साल तक युवा है। जब मैं यहाँ आया तो गेट में एंट्री लेते हुए कुछ यहाँ गार्ड वुड जो स्टाफ आपके उधर थे तो बोल रहे थे कि जो संदीप पटेल है वो 10-15 साल से सिविल लाइन में है। आपके बहुत जान पहचाने लोग हैं, आप जान पहचाने लोग, मैकेनिकल इंजीनियर, सही है, इलेक्ट्रिकल, इधर सही बहुत सारे आपको लोग जानते हैं। और जब मैं आपके कॉलोनी में एंट्री घुमा फिरा तो आपकी आवाम तक आपकी दबदबा है, भलाई के अवसर पर, भलाई के अवसर। तो आप इससे पहले भी एक बार मैं आपसे इंटरव्यू किया था, वो इलेक्शन के पहले आया था। तो आज गुजरात के इलेक्शन का रिजल्ट भी आ गया, तो आपको कैसा फीलिंग हो रहा है रिजल्ट के बाद? मैं तो यही सोचता हूँ कि गुजरात में जो इलेक्शन हुआ, जो जो भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सही हुआ, अच्छा अच्छा, मैं तो गुजरात की हिंदुस्तान की जनता को यही आवाम संदेश देना चाहता हूँ कि भाईचारा बनाए रखे, नाच जात का कोई भेदभाव नहीं रखे और अपने इंडिया को आगे बढ़ाने की सोचे। तो सर जी, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि गुजरात में बीजेपी का तो सरकार आ गया, सरकार आने के बाद भी वो लोग परेशान है, कांग्रेस सरकार में आया नहीं फिर भी उम्मीद जता रहे कि बहुत अच्छा हुआ, क्या वजह है? वो बात नहीं है, हर कोई जगह, मैं ना कांग्रेस से हूँ ना बीजेपी से हूँ, लेकिन क्या है, अपना बाप अगर थोड़ा भी बड़े बेटे को कुछ दे देता है, छोटा बेटा नाराज हो जाता है, ऐसा सब चलता रहता है, चलता रहता है, ये टेंडेंसी है वुमेन बींग, चलता रहता है ऐसा। अच्छा अच्छा। और क्या 2022 में जो इलेक्शन होने वाली है, 2022 में गुजरात में दोबारा विधानसभा के लिए, तो क्या आप उसमें फाइट करेंगे जनता के लिए? फाइट तो ठीक है, पर मैं बोल रहा हूँ कि आप कल के लिए जिंदा रहोगे क्या? सर जी ऐसा है, मैं तो एक मिनट फ्यूचर का बोल रहा हूँ, 2022 में देखा जाएगा, फ्यूचर की बात, फ्यूचर की बात। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत सारे आपके दोस्त यहाँ आए हुए हैं और इसके साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी बर्थडे। जय पटेल, जय सरदार।